हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? और 5 बजे उठने के बाद मैं ये एडिटिंग करना शुरू की थी और अभी एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी बज रहे हैं 9 और आज का व्लॉग तो अपलोड ही नहीं हुआ क्योंकि ये व्लॉग आज ही अपलोड करना था, क्योंकि रात में मैं सो गया था जल्दी क्योंकि नींद बहुत भयंकर आ रही थी, थका भी हुआ था और काफ़ी दिनों से रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, तो इसी वजह से नींद कंट्रोल ही नहीं हुई। फिर मैं सो गया और सुबह 5 बजे उठा, अलार्म लगा के सोया था। और सुबह उठने के बाद एडिटिंग करते करते भूख लगी, ब्रेकफास्ट किया, रेनू को ड्रॉप करके आया, देन अब फिर एडिटिंग करने बैठा हूँ। लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आज वैक्सीन डोज के लिए स्लॉट बुक किया है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो 10 से 11 बजे का है तो 9 तो बज चुके हैं। अभी सिस्टी को मैं तो नहा लूँगा बाद में क्योंकि मेरा अक्सर ऐसा ही होता है। तो सिस्टी को अभी अभी ब्रश कर रही है, नहलाऊँगा उसको, ब्रेकफास्ट वगैरह कराऊँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इतना टाइम हो ही जाएगा, तो 10 बज ही जाएंगे। तो 10 से 11 फिर वो जगह भी ढूंढने, क्योंकि वो सिर्फ एक एक लोकेशन का नाम बताया है, वो जगह का नाम नहीं बताया जहाँ पर वैक्सीन लगनी है, तो वो भी जाकर ढूंढनी पड़ेगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ब्रेकफास्ट मैंने आपका रेडी कर दिया, जल्दी पहन लो फटाफट से, ठीक है? और ये है सिस्टी का ब्रेकफास्ट। आ जाओ जल्दी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर और निकलते हैं। आप पीछे बैठ जाओ, मामा आ रहे हैं और मम्मी आ रही है। दो टमाटर कहाँ पड़े हैं? टमाटर वो कल सब्जी ली थी ना, इसीलिए टमाटर एक गाड़ी में रह गया। तो अभी सृष्टि की मम्मा जा रही है टोकन के लिए पता करने के लिए। देखो यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, अभी हम अंदर ही बैठे हुए हैं। तो सृष्टि के मामा तो वहीं घर के पास में ही टोकन मिल गया था, तो वहीं पर ही चले गए। अब सृष्टि की मम्मा और मैं हैं, तो हम दोनों को वैक्सीन लगानी है। अभी तो पहली डोज ही नहीं लगी है, तो बहुत टाइम हो गया। तो लेट्स सी, अभी इतनी भीड़ में, हमने वैसे तो बुक तो कर लिया था, ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लिया था, तो टोकन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भीड़ का पता कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम 10 से 11 बजे का था और हम करेक्ट, हमें टाइम अभी 10:30 हुए हैं, 10:25 हो रहे हैं, तो हम इतने बजे पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, देखते हैं क्या टोकन के लिए भीड़ हो रही है, अभी पता करके आ रही है मम्मी। आप बैठो थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ, है ना, पता करके, ठीक है? वैक्सीन, वैक्सीन यानी कि इंजेक्शन लगेगा, सुई इंजेक्शन। हाँ यहाँ पर आपके नहीं, मेरे और मम्मी के, बच्चों की वैक्सीन अलग होती है, बड़ों की अलग है। आपको भी लगेगा, सुई लगवानी है। हाँ नीचे करके, चलो चलो मैं अभी पता करके आता हूँ, ठीक है? ये लग रही है भीड़, दबा के भीड़ लग रही है। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप टिक के आराम से। अभी हम आ रहे हैं, कितनी देर लगती है? भीड़ है वहाँ पे बहुत ज्यादा, अभी मम्मी वहीं खड़ी है, अभी पता कर रहे हैं, अगर पता नहीं कब तक आएगा नंबर, देख रहे हैं। हर समय ना चीज़ की जिद नहीं करते, हर समय बाहर की चीज़ें नहीं खानी होती है, चीज़ दिला सकते हो। रोज़ का काम है आपका, रोज़ का, कौन खाता है रोज़ की बाहर चीज़ें? कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, कभी आइसक्रीम, कभी किंडर जॉय, कभी चिप्स, रोज़ का काम है आपका, बाहर ले जाए नहीं और बस बाहर की चीज़, इतनी बाहर की चीज़ नहीं खाते, घर का खाना खाते हैं, ठीक है? हेल्दी खाना होता है घर का। सिस्टी, सो फाइनली वैक्सीन लग गई है फर्स्ट डोज की। ये क्या है, कुकड़ू को? अभी सिस्टी को लगनी बाकी है, फर्स्ट डोज हमारी लग चुकी है। मेरी भी लगेगी। हाँ बच्चों की भी लगेगी। अब चलते हैं फटाफट से, कहाँ पर लगेगी मेरी? जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से जल्दी लग गई, एक घंटा भी नहीं लगा। लाइन शुरू की ना, लाइन वहाँ पे जाके खड़ा हो गया था मैं, फिर यहाँ पे लगी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। ओए लड़की, और दबा रही है, दबा भी देख रही थी। तो सिस्टी अनबॉक्सिंग करेंगी इसको, क्या है इस बॉक्स में? अरे हिला के देखते हैं, हिला के देखते हैं, नहीं खोल के देखना पड़ेगा, करो। मैं अम्मा समझूंगी अनबॉक्सिंग क्या होती है।
समझ गई? हाँ पहले खोलो तो, खोल तो रहा है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये तो सरप्राइज। दो बॉक्स एक साथ, समझ गया समझ गया। ये मोबाइल होल्डर है जो ये कार में लगाने के लिए मैंने ऑर्डर किया था ना, वही है। चलो इसको कार साफ करूंगा ना तब लगाऊंगा, दिखाओ। अच्छा ये कवर इसमें सेट हो जाएगा। ये है एम कैफिन शैम्पू और ये हेयर ऑयल और ये है स्क्रब। एक टोन दे दो, एक दो फुल क्रीम वोल्विट। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज है कि उनकी बड़ी दीदी के लिए उनको बर्थडे विश करना है। तो चांदनी जी अगर आप ये मेरी वीडियो देख रही हैं तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। मेरी दिल से यही दुआ है कि आप जो जीवन में चाहें आपको वो आपको मिले। ये मेरी दिल से मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। आपको जैसा आपका पार्टनर चाहिए आपको वैसा मिले। आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर दुआ कबूल हो और लाइफ में आप आगे जाएं। जो भी आप करना चाहते हैं हर तरह से आप खुश रहें एंड गॉड ब्लेस यू। और आज मैं वैक्सीनेशन करवाने के बाद, तो फिर मैं आने के बाद सो गया था और सो के उठा, फिर इसके बाद मैं नहाया। नहाने के बाद फिर एक कुरियर तो मेरा कल ही आ गया था, पैकेज मैंने आपको दिखाया था जो पैकेज खोला है अभी। ये हेयर किट है, मतलब मैं इसको नॉर्मली, मेरे को ऐसा कोई इसका वो नहीं है कि पेड प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, बट ये मुझे ट्रायल पैक आया था तो मैंने सोचा कि मैं वो लगाया। मैंने सिस्टर को ट्रायल पैक मिला था क्योंकि एम कैफिन के वो प्रोडक्ट मोस्टली यूज़ करती है, तो मैंने सोचा कि उसको जब ऑफर एक छोटी किट फ्री में मिली थी तो मैंने वो यूज़ करके देखा तो मुझे बेनिफिट मिला, तब फिर मैंने ये पूरी किट ऑर्डर की है। तो अराउंड ये 1275 की आई है। ये स्क्रब के साथ है, ऑयल है, शैम्पू एंड स्क्रब है। उठने के बाद वैसे मैं सो गया था, जब सो के मैं उठा फिर उसके बाद मैं नहाया। नहाने के बाद फिर चाय वगैरह बनाई और ये अनबॉक्सिंग वगैरह की। सिस्टर की मम्मा यहाँ आई हुई थी फिर वो चली गई। देन उसके बाद अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर आज एक्चुअली पेन भी हो रहा है हाथ में थोड़ा सा, अब पेन फील होने लग रहा है। सुबह इतना पेन फील नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बॉडी ऐसे लग रही है, डाउन सी लग रही है, फील हो रहा है जैसे फीवर जैसा, बट अभी फीवर नहीं है मुझे, फीवर जैसा फील हो रहा है। बट फिर भी काम तो करना ही है, एडिटिंग तो करनी है एंड देखते हैं। अब रात तो हो चुकी है, आज दोपहर का व्लॉग तो बिल्कुल शूट ही नहीं किया, और व्लॉग भी मैंने आज दोपहर में ही अपलोड किया था क्योंकि मुझे पता है सुबह अगर मैंने कर दिया तो कर दिया, नहीं तो सुबह के बाद 8:30 से पहले अगर व्लॉग अपलोड नहीं हुआ तो उसके बाद फिर वो व्लॉग अपलोड ही नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में फिर उसके हिसाब से काम होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाना करना, सिस्टी को रेडी करना, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती है, फिर बाहर के काम होते हैं तो वो करना, बीच में टाइम मिला तो व्लॉग एडिट करने तब होता है क्योंकि व्लॉग बनाना भी तो पड़ता है ना। व्लॉग एडिट रात में इसलिए करता हूँ कि व्लॉग बनाना भी तो पड़ता है, तो कब काम करूँगा, फिर और काम भी करने होते हैं, तो यही बस चीज़ होती है। तो अब जाऊँगा डिनर करने। और हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने कार के लिए ये मैंने ऑर्डर किया था तो अब इससे इसका बेनिफिट अब मिलेगा, आई होप। अब इसको ट्राईपोड तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ अभी, तो अभी इसको गाड़ी में लगा दूंगा, कल लगा दूंगा इसको गाड़ी में। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं व्लॉग एडिट करना शुरू कर चुका हूँ, अब बैठा हूँ, जस्ट 10 बज रहे हैं। अब आप सोचो अब 10 बजे मैं एडिट करने बैठा हूँ तो कितने बजे जाके स्टार्ट होगा, और वैसे ही हाथ में पेन बहुत हो रहा है, तो लेट्स सी, देखता हूँ कि कब तक कर पाता हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब थकावट तो फील तो हो रही है, ऐसा फील हो रहा है, रेस्ट करने का मन कर रहा है, बट काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो देखते हैं आज कल कितना काम कर पाता हूँ। और डिनर कर चुका हूँ, खाना खाने का भी मन नहीं था, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी था, दो ही चपाती खाई है आज तो, और
ज़्यादा मैंने ली भी नहीं, और खा के और फिर मैं अंदर कमरे में आ गया, थोड़ी देर लेटा, फिर मैंने व्लॉग लैपटॉप ऑन किया और मैंने सोचा चलो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, हिम्मत तो नहीं थी, फिर करते हैं चलो भगवान का नाम लेके। क्यों हंसी आ रही है? हंसी आती है। क्यों? मेरी शक्ल पे क्या लिखा हुआ है? क्यों हंसी आ रही है? मैं वो कह रही थी जब मम्मी कार्टून चला रही थी ना, हाँ। जब मुझे ना सबसे नीचे ना कंचना दिखती थी, एक लाल बिंदी थी लाल कलर की, वो कंचना थी। फिर वो लक्ष्मी जैसी थी ना, लक्ष्मी की भी ऐसे बनती हुई थी, कंचना की भी ऐसे बनती हुई थी। हाँ अच्छा। फिर आया था, फिर मैंने कहा था मम्मी ये चलाते ना कंचना, फिर कहा था नहीं छोटे, मैंने कहा था छोटे बच्चे डरते, बेबी डरते, पर मैं तो बड़ी हूँ ना, लकी छोटा है। हाँ। तो आपको डर लग रहा था? तो नहीं, मम्मी ने नहीं चलाई, मैं कहा मम्मी ने कहा तो नहीं चलाया गया था। बेटा बच्चे ये सब मूवी नहीं देखते, कंचना मूवी नहीं देखते है, डर आपको डर नहीं लगेगा? जब मम्मी और मामा जब नहा रहे थे ना, जब मामा ने ना पहली बार ना लक्ष्मी चला दी थी, जब भी मुझे डर लग रहा था, जब भी मैं बुआ के पीछे छुप रही थी। तो वो तो हम सब लोग देख रहे थे ना, तब आपको तब आप देख सकते थे, बट जब हम लोग नहीं हैं अकेले, बच्चे अकेले मूवी नहीं देखते ऐसे। अच्छा, अम्मी तो मैं ना ऐसे चुपचाप बैठी थी, लक्ष्मी देख रही थी। हाँ तो ऐसे नहीं देखते, तो आप चिल्ला भी तो रहे थे ना बीच बीच में। हाँ। अब लक्ष्मी मूवी मत देखना, अब आपको डर लगेगा नहीं तो रात को। हाँ ठीक है। मैंने ना मम्मी से ना फिर ना दुर्गा मट्टी वाली चला दी थी। हाँ, फिर भी मैं बहुत डर रही थी, दुर्गा मट्टी वाली चला दी थी। कोई बात नहीं, अब नहीं चलाएंगे, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास, हमने मूवी चला, आ जाओ सो जाओ, इधर आ जाओ। ओ सिस्टी, डर लग रहा है सिस्टी को? सिस्टी अब क्या हुआ? व्लॉग भी एडिट करना है लड़की। लड़की टाइम हो रहे हैं 11 बज चुके होंगे। आपका व्लॉग एडिट हो गया? नहीं, व्लॉग एडिट नहीं हुआ, अभी करना है, अभी व्लॉग एडिट करना है। लैपटॉप मत छेड़ो सिस्टी, मेरे प्यारे पापा। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। आपको मेरे बाल समझिए, मेरे बाल तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। मैंने कब कहा बाल से एलर्जी है? मेरी भी, मैं भी लड़खड़ा जाता हूँ कभी कभी जुबान से, सिस्टी की वजह से। अच्छा ठीक है, चलो अब पंखा तेज कर लो, मैं जा रहा हूँ व्लॉग का काम करने, एडिट करने, क्योंकि ज़्यादा फिर सुबह अपलोड करना है ना बेटा, अभी एडिट नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा काम? अब काम तो करना ही पड़ेगा ना, नींद तो आ रही है। मुझे तो ना आपके बिना ना अच्छा नहीं लगता, आप लोग ऐसे करने बैठ जाते फिर मैं क्या करती? क्या करते हैं, सो जाओ, आपके बिना नींद नहीं आती मुझे। आ जाएगी नींद, सोओगे ना, मैं तो यहीं कमरे में तो बैठा हूँ ना। करने तो मैं जा रहा हूँ बाहर ब्लॉग एडिट करने, खाली तो आपका लैपटॉप है? नहीं बाहर नहीं है, वो रखा मेरा लैपटॉप, दिख नहीं रहा मुझे। वो दिख रहा नहीं? दिख रहा मुझे नहीं, नहीं, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे। चलो ठीक है, बाय। ना मेरे कान। हे गाइस, सो आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज बताना जरूर, और इसकी नोकझोंक और इसकी शरारतें। बस बच्चा। और प्लीज आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू है और हमारे अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे और भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। बाय, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय, मिलके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट कल ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट कल ब्लॉग में।